वो क्या पाएगा सफलता जो निर्भर रहता गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता है अपने पैरों पर। तो दोस्तों, खुद पर विश्वास रखिए और जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए जुट जाइए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई साइंस अकेडमी पर। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी फिजिक्स 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2, और इसमें लास्ट टाइम तक हमने देख लिया था वृहत दूरियों का मापन, और आज हम देखेंगे विमाओं के बारे में। तो दोस्तों, विमाएं स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, विमा क्या होती है कि किसी भी वस्तु की जो हम पहचान करते हैं तो उसके आयाम डायमेंशन के आधार पर करते हैं। जैसे कि ये मार्कर है तो इसकी कुछ लंबाई है, इसका कुछ द्रव्यमान है, तो ये इसकी विमाएं होती हैं। यानी किसी वस्तु के पहचान के लिए आयाम का पता होना जरूरी है। जैसे हमारे शरीर के बारे में पता होने के लिए जो मात्रा है या द्रव्यमान है उस आयाम का पता होना चाहिए। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो विमा क्या होती है कि कोई भौतिक राशि है, हमने पहले पढ़ चुके हैं भौतिक राशि के बारे में, तो कोई भी भौतिक राशि है उसको हम ML टी, यानी कि हम द्रव्यमान को एम से व्यक्त करते हैं, लंबाई को एल से और समय को टी से। तो दोस्तों, हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, जिसमें जो 3 ये ML T है, इनको यूज करके नॉर्मली ये अधिकतर यूज होती हैं। इसके अलावा एम्पियर है, केल्विन है, या फिर कैंडेला है, या फिर मोल है, इनका हम यूज करके विमाएं लिखते हैं। लेकिन जब विमा लिखते समय इन 3 का किसी भौतिक राशि में ज़्यादा यूज किया जाता है। तो देखते हैं कैसे विमाएं लिखते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विमाओं के बारे में। कि यानी कि किसी भी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में लिखना ही उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं किसी भौतिक राशि को ML एवं T के पदों में रखने पर इनके संकेत अक्षरों पर लगाई गई घातें वो विमा कहलाती हैं। तो आपको जैसा सुटेबल लगे आप याद रख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विमा कि यानी कि अगर ये जैसे आपको ये डस्टर दिख रहा है, ये एक आयताकार आकृति है। तो जैसे आयताकार आकृति की विमा क्या होगी कि भाई इसको देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई इसके पास लेंथ है। उस साइड से देखेंगे, अगर इसको सामने से देखें 2D से, यानी कि ये ऐसा हो, तो सामने से देखने से 2D में हमें इसकी लंबाई दिखेगी और ये चौड़ाई दिखेगी। यानी कि इसकी विमा हो जाएगी लंबाई इंटू चौड़ाई। और जैसे अगर इसको 3D में देखें तो
लंबाई चौड़ाई, अगर इसको लंबाई मान लें, इसको चौड़ाई मान लें, तो एक ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो द्रव्यमान है उसकी विमा होती है लंबाई को एल से, समय को टी से, द्रव्यमान को एम से, ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो लंबाई है उसकी विमा हो जाएगी L। अब लंबाई के लिए हमें द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं है, द्रव्यमान की ना ही समय की, यानी कि इसकी विमा हो जाएगी केवल L1। समय कितना है और द्रव्यमान दोनों 0। और विमा लिखते समय ये जो MLT है हमेशा इंग्लिश में कैपिटल वर्ड्स में लिखे जाते हैं, और इनको जो बड़ा ब्रैकेट है उससे क्लोज कर देते हैं, इनके बीच में कोई डॉट कोमा वगैरह हम नहीं लगाते। तो लंबाई उसकी विमा ये हो जाएगी, चौड़ाई, चौड़ाई भी एक तरह की लेंथ ही है तो उसकी भी ये हो जाएगी, ऊंचाई है उसकी भी ये हो जाएगी, दूरी है, दूरी भी एक तरह की लंबाई है तो दूरी की विमा भी यही हो जाएगी। यानी दूरी दूरी की विमा के लिए हमें द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं है, समय की आवश्यकता नहीं है। विस्थापन है, विस्थापन भी ये क्या है, एक तरह की दूरी है। तो इन सब की विमा हो जाएगी केवल L1, यानी कि M इसमें 0 रहेगा, T इसमें 0 रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो दोस्तों हम लंबाई के लिए L का यूज करते हैं और चौड़ाई के लिए भी L का यूज करते हैं, ऊंचाई के लिए भी L का यूज करते हैं, दूरी के लिए भी L का यूज करते हैं, विस्थापन के लिए भी L का यूज करते हैं। तो L इंटू L यानी कि हो जाएगा L2, L1 L, तो ये हो जाएगा L2। तो इसकी विमा हो जाएगी वही बड़े ब्रैकेट में, यहाँ द्रव्यमान नहीं है तो एम की घात 0। एल कितने बार आ रहा है लंबाई यानी 2 बार, तो L2, और समय 0। तो ये विमा हो गई क्षेत्रफल की। इसके बाद हम निकाल सकते हैं आयतन की, आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई, यानी कि एल इंटू एल इंटू एल, यानी कि हो गया L³। तो इसकी विमा हो जाएगी, इसमें भी द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है, यानी कि M 0 L³ T 0। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कि ये जो टॉपिक है बीमा वाला, हम केवल 11th में पढ़ते हैं, लेकिन ये आपके 12th में भी यूजफुल है, या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी कोई भी भौतिक राशि दे दी जाती है उसकी बीमा पूछी जाती है कि भाई इस भौतिक राशि की बीमा क्या होगी, या फिर बीमा होगी या नहीं होगी, सब इसी में देखेंगे हम। तो इसके बाद हम देखते हैं कि चाल की विमा क्या होती है। दोस्तों इसमें आपको केवल एक किसी भी भौतिक राशि का सूत्र पता है तो उसकी आप विमा आसानी से निकाल सकते हो। तो चाल क्या होता है, दूरी अपॉन में
समय, दूरी अपॉन में समय। या फिर गति हो तो गति भी क्या होता है, दूरी अपॉन में समय। तो गति और चाल दोनों की विमा सेम ही होती है। अब दूरी को हम एल से व्यक्त करते हैं, तो एल, और समय को टी से, कैपिटल टी से, यानी कि एल टी, ये टी ऊपर जाएगा तो एल टी इनवर्स, यानी कि इसकी विमा हो गई। अब इसमें द्रव्यमान नहीं है, एम जीरो, एल कितना है 1, टी इनवर्स, तो ये विमा हो गई चाल या गति की। इसके बाद नेक्स्ट हम विमा देखते हैं वेग की। तो दोस्तों वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन में समय। तो दोस्तों विस्थापन एक तरह की दूरी है, एक तरह की लेंथ है, तो इसके लिए L और समय के लिए T, तो इसकी विमा हो जाएगी L T इनवर्स, यानी कि सेम M जीरो L वन T इनवर्स, ये विमा हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट हम देखते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग अपॉन में समय। तो वेग अपॉन में समय, तो दोस्तों या तो आप डायरेक्ट वेग की विमा यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ अपॉन में समय की विमा लिख सकते हैं, या फिर आप वेग का फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे कि वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन में समय, विस्थापन अपॉन में समय, और ये वन अपॉन में समय पहले से ही चल रहा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो विस्थापन की विमा क्या होती है, विस्थापन एक तरह की लंबाई है, तो L, समय T, इसकी भी T, यानी कि L, ये T1, T1, T2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा T माइनस, ये हो गई एम जीरो एल वन टी माइनस टू, ये विमा हो गई। तो आप सूत्र ऐसे लिख के भी विमा निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप वेग की विमा लिख लें यहाँ। तो वेग की क्या होती है, एल टी इनवर्स एम जीरो एल वन टी माइनस वन, और समय की टी, तो यहाँ से भी सेम ही आता है एल वन टी माइनस टू। तो इसके बाद हम देखते हैं एक बात और बता दूं दोस्तों, जो त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण है तो दोनों की विमा सेम ही होती है, यानी कि त्वरण और इसको आप गुरुत्वीय त्वरण भी लिख सकते हैं साथ में, गुरुत्वीय त्वरण या फिर त्वरण, दोनों की विमा सेम होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बल की विमा क्या होती है, कि बल बराबर त्वरण इनटू द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान इनटू त्वरण। अब दोस्तों द्रव्यमान के लिए एम और त्वरण के लिए, त्वरण की विमा आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई ये होती है, या फिर आप ये त्वरण का सूत्र लिखें यहाँ, वेग अपॉन में समय, फिर ये ऐसे इसको खोलें, विस्थापन अपॉन में समय, और फिर निकालें। और अगर आपको डायरेक्ट याद है त्वरण की विमा तो वहाँ रख सकते हैं, जैसा भी आपको ईजी पड़े, एम जीरो एल वन टी माइनस टू।
तो दोस्तों बल की बीमा हो जाती है एम वन एल वन टी माइनस टू। दोस्तों ये बल की बीमा आप इसको याद कर लीजिए, ये बहुत जगह काम आता है, एक तो बल की और एक कार्य की, इससे काफ़ी फॉर्मूले बनते हैं तो आपको आसानी रहेगी बीमाएं लिखने में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्य की, कि कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन, तो बल की बीमा ये रही एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू विस्थापन, एक तरह की लंबाई है तो एल ले लेते हैं इसके लिए, तो बीमा हो जाएगी एम वन एल टू टी माइनस टू और ब्रैकेट। इसके बाद हम देख सकते हैं दाब की, कि दाब क्या होता है एफ अपॉन में ए, यानी कि बल अपॉन में क्षेत्रफल। तो बल की बीमा पता हो तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल की लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो उसके लिए L इंटू एल, यानी कि या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि बल के लिए M1 L1 T माइनस टू और क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि L इंटू एल। तो यहाँ से बीमा क्या हो जाएगी इसकी, ये L2 है और L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L माइनस टू, तो यहाँ बच जाएगा L माइनस वन टी माइनस टू। तो ये हो गई दाब की। इसके बाद देखते हैं दोस्तों संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी द्रव्यमान के लिए m और वेग के लिए, दोस्तों ये आपको याद रखनी पड़ेगी, मेरे तो याद है कि वेग की होती है lt इनवर्स, तो इसको मैं लिख लेता हूँ m जीरो एल टी इनवर्स। तो यहाँ से ये हो जाएगी इसकी m1 l1 t टी माइनस वन, दोस्तों ये हो जाएगी संवेग की। इसके बाद हम निकाल सकते हैं घनत्व की, तो दोस्तों घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन में आयतन, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, द्रव्यमान को m से लिख सकते हैं m और आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि तीन l आ जाएंगे इसमें, लंबाई के लिए l, चौड़ाई के लिए l और ऊंचाई के लिए l। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी m1 ये L1 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 L3 ऊपर जाएगा L माइनस थ्री और T जीरो। इसके बाद देख लेते हैं शक्ति की, जो नॉर्मल शक्ति की बात कर रहे हैं, हम विद्युत शक्ति की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं अभी, कार्य अपॉन में समय। तो दोस्तों या तो कार्य को आप लिख सकते हैं बल इंटू विस्थापन, फिर बल को लिख सकते हैं बल की बीमा लिख सकते हैं, या फिर बल का फॉर्मूला लिख के वो कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको कार्य की बीमा याद है तो कार्य की बीमा लिख सकते हैं। जैसे कार्य की बीमा होती है एम वन एल टू टी माइनस टू और अपॉन में समय की टी, तो ये हो जाएगी एम वन L2 और ये T
वन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस थ्री। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, आवर्ती की देख लेते हैं। आवर्ती का फॉर्मूला होता है दोस्तों कंपन अपॉन में समय। तो कंपन ना द्रव्यमान के लिए, ना लंबाई के लिए, ना टी के लिए, तो यहाँ केवल हमारे पास है समय, यानी कि टी। तो एम जीरो एल जीरो टी इनवर्स, तो ये हो जाएगी आवर्ती की। इसके अलावा जैसे कि जो ऊर्जा है उसकी क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो ऊर्जा की विमा होती है, ऊर्जा है, स्थित ऊर्जा है या फिर गतिज ऊर्जा है, वो कार्य की विमा के समान होती है। यानी कि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इनकी विमा कार्य के समान होती है। और कार्य की क्या होती है, एम वन एल टू टी माइनस टू। और ये जो विमा की गणना की है हमने, ऊर्जा ई बराबर होती है एच न्यू, तो उससे हमने ये निकाली है। 14 हम निकाल सकते हैं जो बोल्ट्जमान नियतांक है उसकी निकाल लेते हैं। तो जो बोल्ट्जमान नियतांक है उसकी होती है गतिज ऊर्जा अपॉन में ताप। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा की, स्थित ऊर्जा की या फिर ऊर्जा की विमा होती है ये, यानी कि एम वन एल टू टी माइनस टू अपॉन में ताप। ताप की हो जाएगी केल्विन, कैपिटल के। तो इसकी विमा हो जाती है एम वन एल टू टी माइनस टू और केल्विन इनवर्स। तो ये विमा हो जाती है बोल्ट्जमान नियतांक की। इसके बाद हम देखते हैं प्लांक कांस्टेंट की। दोस्तों यहाँ पूरी विमाएं तो आ नहीं सकती, और आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये विमाएं डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं, कि जो सूत्र हमें याद होने चाहिए तो हम किसी भी भौतिक राशि की विमा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक तो H बराबर होता है ई अपॉन में न्यू। दोस्तों जो समीकरण होती है ई बराबर एच न्यू, उसी से हम निकाल लेते हैं। तो ई की विमा यानी कि ई क्या है, ऊर्जा। तो ऊर्जा की विमा हमें पता है क्या होती है, एम वन एल टू टी माइनस टू। और आवर्ती की, आवर्ती की हमने निकाली थी टी इनवर्स, यानी कि ये टी। तो प्लांक स्थिरांक की विमा क्या हो जाएगी, एम वन एल टू टी माइनस वन हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं हम तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य भी क्या है, एक तरह की दूरी है।
तो तरंग दैर्ध्य की बीमा भी हो जाएगी। M0L1T0, क्योंकि तरंग दैर्ध्य एक तरह की क्या है, दूरी है, तो दूरी की बीमा होती है L/T0। तो ये कुछ बीमाएं थी, और बहुत सी बीमाएं जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे, तो आप बुक से भी देख सकते हैं, बुक में आपको काफ़ी बीमाएं मिल जाएंगी। और कुछ देख लेते हैं हम, जैसे 12th क्लास की बीमाएं देख लेते हैं, जैसे विभवांतर है, वहाँ विभवांतर की देख लेते हैं। विभवांतर V बराबर होता है W/Q। तो दोस्तों कार्य की बीमा होती है, ये कार्य है, कार्य की बीमा होती है M1L2T-2। और आवेश का क्या सूत्र होता है, Q बराबर I×T, ये I×T यानी कि जो विद्युत धारा किसमें मापते हैं, एम्पियर में, तो इसकी भी बीमा एम्पियर। ताप को किसमें मापते हैं, केल्विन में, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम M1L2T-2। सॉरी दोस्तों, ये टेम्परेचर ना होके ये टाइम ही है, कि Q बराबर होता है I×T, जो I बराबर है Q/T, वहाँ से आता है, तो ये समय ही है। तो यहाँ से M1L2, ये T-2 है, ये T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो A-, और कैपिटल ब्रैकेट। तो विभवांतर की बीमा लिखी हमने, हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की बीमा, विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q। तो F की बीमा हमको पता है, F की बीमा होती है M1L1T-2। और Q, Q को लिख सकते हैं A×T। तो विद्युत क्षेत्र की बीमा हो जाएगी M1L1T-3 A-1। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि ये इतना बीमाएँ सफिशियंट है, वरना बीमाएँ लिखेंगे तो हमें शायद 2-4 लेक्चर में भी पूरी नहीं होंगी, काफ़ी बीमाएँ हैं। तो नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं टॉपिक अपना। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा लिख सकते हैं। तरीका मैंने बता ही दिया है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखो दोस्तों, जैसे कोई भी भौतिक राशि है, मान लेता हूँ मैं बल ही मान लेता हूँ, कि बल F बराबर हो, इसकी बीमा होती है M1L1T-2। तो ये कोई भौतिक राशि है और ये इसकी बीमा है, तो ये किसी भौतिक राशि की ये बीमा है, तो इसको ऐसे लिख दे कि ये भौतिक राशि इधर और इधर इसकी बीमा, तो इसको हम बोलते हैं बीमीय समीकरण, विमीय समीकरण। तो अब हम देखेंगे विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग, यानी कि इनका क्या यूज करते हैं हम, इनसे कौन सी चीज़ें हम डिराइव कर सकते हैं। विमीय
समीकरणों का अनुप्रयोग। कि जो विमाएं हैं इनका हम क्या यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भौतिक राशि को हम व्यक्त करते हैं Q इक्वल टू एन यू से, यानी कि ये कोई भौतिक राशि है और n इसका आंकिक मान होता है और u इसका मात्रक होता है। तो इस दोस्तों, इसके तीन अनुप्रयोग हैं कि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं विमीय समीकरण का उपयोग करके। एक किसी भौतिक राशि का सूत्र है उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, यानी कि कोई भी समीकरण है या सूत्र है वो ठीक है कि नहीं। जैसे कि मान लो कि F इक्वल टू होता है MA, ये हमको पता है कि F इक्वल टू MA होता है, लेकिन इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम विमीय समीकरण से। इसके अलावा विमीय समीकरण की सहायता से हम कोई सूत्र व्युत्पन्न भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, हमने तीन मात्रक पद्धतियाँ देखी थी, MKS, CGS और FPS। तो उससे पहले हमें एक इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इक्वल टू होता है एन यू। अब मैं ये मान लेता हूं कि कोई भौतिक राशि है हमारे पास Q, तो इसका प्रथम पद्धति में जो आंकिक मान है वो मान लेता हूं मैं n वन, और जो इसका मात्रक है वो है u वन, और इसकी जो विमा होगी वो मान लेता हूं मैं m वन a, l वन b, t वन c। ये प्रथम पद्धति में है, और द्वितीय पद्धति में जो आंकिक मान है n2 है, इसका मात्रक है u2, तो विमा हो जाएगी इसकी m2 a, l2 b, t2 c। तो दोस्तों, इस इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं कि Q इक्वल टू होता है एन यू। तो इसके लिए यूज करें हैं हम, तो Q इक्वल टू होगा एन वन यू वन, और इसको हम लिख सकते हैं एन वन यू वन, यानी कि एम वन ए, एल वन बी, टी वन सी। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसमें कि Q बराबर N2 U2 इक्वल टू N2 M2 A, L2 B, T2 C। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि Q इक्वल टू है N1 U1 और Q इक्वल टू N2 U2, यानी कि हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि Q बराबर होगा N1 U1 इक्वल टू N2 U2 के। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। यानी कि ये हो जाएगा N1, U1 का मान ये रहा, M1 A, L1 B, T1 C। इसी तरह N2 इक्वल टू M2 A, L2 B और T2 C। अब यहाँ से हम n2 का मान निकालते हैं, तो n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 और ये इसके बटे में चला जाएगा। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि इनकी घाते समान हैं, जो m वाले पद हैं इनकी घाते समान हैं, l वाले पद हैं इनकी घाते समान हैं।
तो ये आ जाता है एम वन अपॉन में एम टू की घात ए, एल वन अपॉन एल टू की घात बी, और टी वन अपॉन टी टू की घात सी। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है जिसकी हेल्प से हम आसानी से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट समीकरण है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में कि एक कोई भी भौतिक राशि है वो सीजेस पद्धति में, उसको एमकेएस पद्धति में कैसे ज्ञात करेंगे, एफपीएस में है तो सीजेस में कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक जनरली एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये एमकेएस पद्धति में है, तो इसका सीजीएस पद्धति में क्या मान होगा, का सीजीएस पद्धति में मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको ये तो आइडिया हो गया है कि इस इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो भौतिक राशि है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी लिखेंगे विमा, कि जी गुरुत्वीय त्वरण। तो दोस्तों जब विमा लिखी थी तो मैंने बात बताई थी कि जो त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण है उन दोनों की विमा सेम होती है, तो यानी आपको त्वरण की विमा याद है तो आप गुरुत्वीय त्वरण की लिख सकते हैं। तो त्वरण की विमा क्या थी, त्वरण होता है वेग अपॉन में समय, वेग की थी एल टी इनवर्स और समय की टी, यानी कि यहाँ से विमा हो गई एल टी माइनस टू, एम ज़ीरो एल टी माइनस टू, तो ये गुरुत्वीय त्वरण की विमा है। अब आगे देखते हैं हम, कि यदि इसकी मैं तुलना करूं, हम जानते हैं क्यू इक्वल टू होता है एन श्यू। अब ये प्रथम मात्रक पद्धति है हमारे पास एम के एस में, तो यानी कि इसके लिए एन वन का मान हो जाएगा हमारे पास 9.8, ठीक है। एम वन का मान जो प्रथम मात्रक पद्धति है एम के एस है, मीटर के जी सेकेंड, यानी कि एम के एस में 1 के जी। एल वन का मान मीटर यानी 1 मीटर, और सेकेंड यानी समय है हमारा 1 सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन टू, इसका मान हमको ज्ञात ही करना है। एम टू सीजेस पद्धति में ज्ञात करना है, दूसरी मात्रक पद्धति है, इसमें एम टू का मान 1 ग्राम, एल टू का मान 1 सेंटीमीटर, और टाइम दोनों में सेम रहता 1 सेकेंड, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास M1 है, M2 है, L1 है, L2 है, T1 है, T2 है। अब तीन चीज़ें हमारे पास अननोन है, A, B और C। तो A, B, C हम कहाँ से लेते हैं, जो ये भौतिक राशि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बात बताई थी कि कोई भी भौतिक राशि है उसमें जो M, L, T के संकेत अक्षरों के ऊपर लगाई गई खातें विमा कहलाती है, यानी कि ये जो मान है इसकी कंपेयर कर लूँ मैं एम जीरो L1 T माइनस टू, इसकी कंपेयर कर लेता हूँ मैं M की घात A, L की घात B और T की घात C से, तो यहाँ से हमारे A का मान आ जाता है 0, B का मान आ जाता है 1 और C का मान आ जाता है माइनस टू। अब आसान है, इस समीकरण में अपन रख लेते हैं,
यानी कि n2 इक्वल टू n1 का मान 9.8, m1 1 kg अपॉन में 1 ग्राम की पावर a यानी 0, l1 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर और इसकी पावर है 1 और टाइम 1 सेकंड 1 सेकंड 1s 1s की पावर है माइनस का 2। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद जो भी हमारा ये है 1 kg है तो इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, यानी कि इसको चेंज कर रहे हैं तो जो नीचे ये ग्राम में है तो इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 9.8, 1 kg में 1000 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है, 0। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यानी जिसको हम को चेंज करना है उसको नीचे वाली पद्धति में बदल लेते हैं, 1 सेकंड को 1 सेकंड 1 सेकंड की पावर माइनस का 2। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इसकी घात है 0, तो हम जानते हैं कोई भी राशि हो उसकी पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, यानी इसको हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 1 हो जाएगा इंटू 1। अब इसमें जो सेंटीमीटर है और सेकंड है इसको हम ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ से 100 की घात 1, 100 अपॉन में 1 है तो इसकी घात 1, सेंटीमीटर यहाँ से बाहर इंटू 1/1, 1 और सेंटीमीटर का सेकंड का माइनस 2, तो यहाँ से आ जाता है 980 cm इंटू सेकंड माइनस 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये CGS पद्धति में मान आ जाता है। तो दोस्तों ये तो था कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे चेंज करते हैं। दूसरा जो अनुप्रयोग है कि किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना, कि वो जो सूत्र दिया गया है वो ठीक है कि नहीं है, तो हम कोई भौतिक राशि ले सकते हैं, F इक्वल टू ma ले सकते हैं, या फिर हम ले लेते हैं जो न्यूटन का तृतीय समीकरण है वो ले लेते हैं, कि जो न्यूटन ने तृतीय समीकरण दिया है वो सही है या नहीं है उसकी जांच भी हम विमीय समीकरण से कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, न्यूटन का तृतीय समीकरण, तो हम जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं अलग, RHS ले लेते हैं अलग। तो LHS लेने पर, और ये सिंपल सा तरीका होता है कि जो LHS की बीमा है और RHS की बीमा है वो सेम आनी चाहिए, और जैसे कोई भी समीकरण है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पद हैं तो उसमें प्रत्येक पद की जो बीमा है वो सेम आनी चाहिए, यानी कि इधर की जो बीमा है इधर भी सेम हो इधर भी सेम हो। तो देखते हैं ये क्या है, वेग है, यानी कि वेग का स्क्वायर। तो वेग की बीमा क्या होती है, वेग की बीमा होती है एल टी इनवर्स, यानी कि एम जीरो एल वन टी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम जीरो स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी माइनस का 2। ये तो हमारे आगे एल एच की बीमा। अब हम ले लेते हैं आर एच एस, आर एच एस की बीमा लेने पर, ठीक है। तो आर एच एस है हमारा यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये तो है वेग, यानी कि वेग की बीमा क्या है हमारे पास, ये रही एम जीरो एल वन टी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू। ए हमारा है त्वरण, तो त्वरण की बीमा क्या होती है, त्वरण की बीमा होती है, त्वरण होता है वेग अपॉन में समय, यानी कि एम जीरो एल वन टी माइनस टू। और इस दो को लिखे तो
लिख लेते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो भी संख्यात्मक मान होता है, कोई भी संख्या होती है, तो उसकी बीमा कोई नहीं होती है। तो इसको मैं चाहे तो यहाँ इरेज कर दूँ, नहीं तो आगे कर लूँगा। ये हमारे पास क्या है, विस्थापन है। विस्थापन एक तरह की दूरी है, यानी कि इसके लिए ले लेंगे हम केवल एल, एम जीरो एल वन, ये स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस एम जीरो एल टू टी माइनस का टू। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम कि जो आर एच एस में ये दोनों पद हैं, इनकी बीमा सेम, इधर की सेम, यानी कि प्रत्येक पद की बीमा सेम है, एल एच एस में भी आर एच एस में। तो ये इस तरह से हम न्यूटन का तृतीय समीकरण को वेरीफाई कर लिया कि ये ठीक है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनकी कोई बीमा नहीं होती, तो उनको भी देख लेते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ बीमाहीन राशियाँ, यानी कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनकी बीमा नहीं होती, तो अगर वो आ जाती हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो बीमाहीन राशियाँ हैं। तो बीमाहीन राशियाँ, तो दोस्तों जैसे कौन है, कौन बीमाहीन राशि है, कोण का सूत्र क्या होता है, चाप अपन में त्रिज्या। तो चाप एक तरह की क्या है, लेंथ है L, त्रिज्या एक तरह की लेंथ है, तो L1 L1 L0, यानी कि इसकी बीमा होगी M0 L0 T0। तो जो तीनों हैं M L T T, इनकी घात क्या है, 0 0, यानी कि ये क्या है, बीमाहीन राशि है। तो कोण बीमाहीन राशि है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ राशियां हैं जिनके आप नाम ध्यान रख सकें, डायरेक्टली बता सकते हैं, जैसे कोण है, विकृति है, अपवर्तनांक है, कोणीय विस्थापन है, इसके अलावा जैसे साइन का फंक्शन है कोई, कोस का, यानी कि जो भी त्रिकोणमिति फलन है उनकी कोई बीमा नहीं होती, कोई लोग का फंक्शन है उसकी कोई बीमा नहीं होती, कोई चरघातांक की फलन है उसकी कोई बीमा नहीं होती, यानी कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये बीमाहीन राशियाँ हैं। तो दोस्तों ये थे बीमाओं के अनुप्रयोग। तो और अब आप अपनी बुक से